नमस्कार साथियों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं जनवरी से लगाकर दिसंबर तक जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जनवरी के बारे में। तो याद रखिए, 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। तो याद रखिए, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की याद में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन कौन से दिन है? विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से पहली बार नागपुर में 10 जनवरी से 12 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी जी की जयंती को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी थल सेना दिवस। 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने अंग्रेजों से पदभार ग्रहण किया था। 23 जनवरी की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को। फिर 24 जनवरी, तो याद रखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। फिर हमारा 25 जनवरी, तो याद रखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है 26 जनवरी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी उपलक्ष में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर है 27 जनवरी, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। फिर हमारा 28 जनवरी, तो इस दिन लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। फिर है 29 जनवरी, क्या है 29 जनवरी, तो याद रखिए डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को। फिर है 30 जनवरी, तो याद रखिए शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को 1949 को नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। गांधी जी बाद सभी शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिए यहाँ 48 है, ठीक है, 1948 में। अगला है 2 फरवरी है। फिर 2 फरवरी को विश्व आद्य भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस प्रति वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर के में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड पर हुए सम्मेलन को अपनाने की तारीख की चिन्हित करता है। फिर है हमारा 4 फरवरी, तो याद रखिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। फिर है हमारा 12 फरवरी, तो याद रखिए डार्विन दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। फिर हमारा 13 फरवरी,
तो इस दिन सरोजिनी नायडू जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। उत्पाद शुल्क के प्रति लोगों को जागरूक व प्रोत्साहन करने के लिए हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस मनाया जाता है। फिर 6 अप्रैल, कितना, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य खेलों का द्वारा सांस्कृतिक विषमताएं हटाने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास तथा शांति के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम सभा हुई थी। इसी सभा में इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस घोषित किया गया था। तब से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व जनसंख्या के स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। बात करते हैं 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1883 में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस घोषित किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को अपने देश व विश्व स्तर पर सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का हेतु प्रयासरत है। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ष 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाते हैं। फिर बात करते हैं 25 अप्रैल, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। 29 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। फिर बात करते हैं 1 मई की, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। 3 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, पहला विश्व प्रेस दिवस स्वतंत्रता दिवस, दूसरा विश्व सूर्य दिवस। 3 मई को विश्वभर की स्वतंत्र पत्रकारिता का प्रतीक है। फिर बात करते हैं 8 मई की, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुख्य नेता जीन हेनरी दुनांत का जन्मदिवस 8 मई 1828 को होने के कारण चुना गया था। अब बात करते हैं 9 मई की, 9 मई को विश्व दिवस विजय दिवस मनाया जाता है।
11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1898 में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए थे। फिर बात करते हैं हम लोग 12 मई की, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। फिर बात करते हैं 14 मई की, तो इस दिन विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है 17 मई, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। फिर है हमारा 21 मई, तो इस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 में 21 मई को ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। 24 मई की बात करें तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। फिर हमारा 30 31 मई, कौन सा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई के दिन तंबाकू का स्वास्थ्य पर दुष्परिणामों के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है। 1 जून की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 से लगातार हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादन के विकास के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में इसकी शुरुआत की थी। 5 जून की बात करें तो इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून की बात करें, किस दिन की, 8 जून, तो इस दिन 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष 8 जून को विश्व महासागर के महत्व और आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूक बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 1992 को मनाया गया था। फिर बात करते हैं हम लोग 14 जून, तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। 20 जून की बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस। अगला है 21 जून, क्या है 21 जून, तो इस दिन विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। 23 जून, तो इस दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 23 जून को 23 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। फिर है हमारा 29 जून, तो याद रखिए इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महाल नोबिस की के जन्म दिवस 29 जून 1893 को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। भारत में यह दिवस पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पेशे से चिकित्सक विधान चंद राय के जन्म दिवस 1 जुलाई 1882 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए 1 जुलाई 1882 इनका जन्मदिन था, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। फिर है 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1987 में आज ही के दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई थी। अगला है 12 जुलाई, तो याद रखिए मलाला दिवस मनाया जाता है। महिला शिक्षा की एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ जई का जन्मदिन होता है इस दिन 12 जुलाई को, मलाला दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 18 जुलाई, कौन सा 18 जुलाई, तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई की बात करें तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 में भारत की विजय के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसे ऑपरेशन विजय नाम से भी जाना जाता है।
29 जुलाई तो विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? विश्व टाइगर दिवस। अगला है हमारा 6 अगस्त, 6 अगस्त को हीरो सीमा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1945 में 6 अगस्त को जापान के हीरो सीमा पर बम गिराकर नष्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद 9 अगस्त, तो याद रखिए इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी दिवस। वर्ष 1945 में 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर बम गिराकर नष्ट कर दिया गया था। तो 6 अगस्त को याद रखिए हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। अगला है हमारा 12 अगस्त, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 अगस्त को ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी मिली थी। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक। बात करते हैं हम लोग 29 अगस्त, तो याद रखिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1909 को हुआ, 1905 को हुआ था, 29 अगस्त 1905। फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। वर्ष 1953 से यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन। बात करते हैं हम लोग, अगला है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अगला है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को क्या क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती, फिर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। फिर है हमारा 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर है 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। फिर है 9 अक्टूबर को, तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। फिर है 10 अक्टूबर, तो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। तो याद ही रखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। फिर है 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। फिर है 29 19 अक्टूबर 19 नवंबर
19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस और विश्व नागरिक दिवस मनाए जाते हैं। तो याद रखिए, यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण दिवस और विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर है हमारा दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत पाक युद्ध 1971 में भारतीय नौसेना के योगदान तथा जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। फिर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर तो विजय दिवस 1971 के बाद के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। फिर है हमारा 23। 23 कौन सा? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। क्रिसमस डे प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को ईसा मसीहा के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हमारा 26 दिसंबर को बॉक्सिंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 दिसंबर को बॉक्सिंग दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय।